आजा तेरी ये बात थी। जब हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के उन कलाकारों की बात करा जिनके फैंस कति कट्टर है, तो इस लिस्ट में अमित सैनी रोहतकिया का नाम लगभग टॉप पे आवे है। यो वो सिंगर है जिसके अलग अलग लेबला पर तय महीने में 5-7 गाने और कति कट्ठे 2-2, 3-3 गाने भी ट्रेंडिंग में आ जाया करे एज ए सोलो ट्रैक एल्बम नहीं। पर पासले 1.5-2 महीने तक घर में और पर्सनल लाइफ में घने बड़े दुख का माहौल छाण के कारण अमित सैनी रोहतकिया की तरफ तय कोई भी गाना रिलीज ना कराया गया है। पर इब फिर तय अमित सैनी नए गाने की गेल फिर तो अपने फैंस खातर कुछ एक्साइटिंग लेकर आन लग रहा है। और यो नया गाना अमित सैनी ने खुद है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर गेर के अनाउंस करया है। इस गाने का नाम है एफिडेविट। यो गाना वैसे तो 1.5-2 महीने पहला आना था, पर उस टाइम अमित सैनी के बड़े बेटे का निधन हो गया था, तो फिर यो गाना ना गिरा गया था। इस गाने में जो म्यूजिक है वो दिया है डीजे स्काई ने। और यो गाना अमित सैनी रोहतकिया के खुद के चैनल पर रिलीज करया जाओगा। इब जब रिलीजिंग डेट की बात करा तो यो गाना 5 मई ने तड़के 10 बजे अपने शामी आ लेगा। इस एफिडेविट गाने का छोटा सा पार्ट पहला भी सुना गया है, जो कि तुम चेक भी कर सको हो। तो कैसा कहा, यो थोड़ा सा बदमाशी टाइप का और अपनी खुद की स्टोरी का एक मिक्स सा सॉन्ग देखा जाओगा। बाकी थमने अमित सैनी के गाने की किसी बात है कमेंट में अमित सैनी रोहतकिया लिख का बताइयो। इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।